हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था कि हजरत रोजे के हवाले से जो कुछ लोगों में ये ख्याल है, वो कहते हैं कि भाई, या ऐसा करते भी हैं अक्सर, अलविदा जुमा का रोजा रख लिया या रमजान शरीफ का पहला रोजा रख लिया या शबे कद्र वाला जो वो दिन आता है उस दिन में रोजा रख लिया, तो क्या मुकम्मल रोजों का सवाब मिल जाएगा? मोहतरम हजरात, देखिए, आज रमजान शरीफ का पहला रोजा है और मैं तमाम हजरात को रमजान मुबारक की मुबारकबाद भी ढेर सारी पेश करता हूं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, ज्यादा से ज्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए। जो मेरे भाई रोजादार हैं, बहनें रोजादार हैं, अल्लाह उनके रोजों को कबूल फरमाए। तो रोजे के हवाले से मैं बता दूं, देखिए, रोजे की फर्जियत के ताल्लुक से रोजा जो है रमजान शरीफ के पूरे महीने का रोजा फर्ज है। आप ऐसा नहीं कर सकते खाली एक रोजा रख लिया और अलविदा जुमा का रोजा रख लिया और बाद का कोई रोजा रख लिया तो आपने पूरे रोजों का सवाब मिल जाएगा, ये गलत फहमी है। ये रोजा मुकम्मल तरीके से, जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 5 टाइम की नमाज पढ़ने से ही वो अदा होगी, कोई एक नमाज पढ़ लेने से 5 टाइम की नमाज अदा नहीं हो पाएगी, इसी तरीके से पूरे रमजान शरीफ का रोजा रखने से ही रोजा अदा होगा, बाकी कोई एक रोजा रख लेने से रोजा दूसरा रोजा साकित नहीं होगा। हद यह है कि रोजा अगर रमजान शरीफ में बीमारी की वजह से नहीं रख पाया, बहुत ज्यादा आलिद था, तबीयत खराब थी, रोजा रखने की कुदरत नहीं थी उसके पास, तो वो रोजा जो छोड़ दिया है वो रोजे का भी कफारा अदा नहीं कर पाएगा, बल्कि वो रोजा ही रखेगा, दूसरे दिनों में उस रोजे की कजा करेगा। कुछ हजरात ऐसे हैं कि जो रोजा, जैसे गर्मी में रोजा रखा आया रमजान शरीफ, तो वो गर्मी का रोजा लगातार नहीं रख सकते, तो उनके लिए क्या हुक्म है? तो वो जितना रख सकते हैं इतना रोजा गर्मी में रखें, और जो नहीं रख सकते उसकी इस्तेआत नहीं है तो वो रोजा अगर छोड़े तो उनके लिए रुख्सत है, लेकिन वो रोजे का कफारा अदा नहीं होगा, बल्कि वो रोजे का जो है किसी रोजा रखने उसकी कजा ही करना पड़ेगी। अगर कोई ये कहे कि भाई मैंने रोजा गर्मी में नहीं रख सकता था और उसका जो है अब नहीं रखने से मैंने उसका जो है रोजे का एक जो वो होता है खाना खिलाया जाता है मिस्कीन को, गरीब को, एक रोजे के बदले में, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर वो गर्मी में मिसाल के तौर पे 30 रोजों में 20 रोजे रख सका और 10 रोजे ना रख सका शिद्दत की वजह से, गर्मी की तबीयत उसकी खराब हो जाती, इतनी उसके अंदर ताकत नहीं थी, तो वो सर्दी के मौसम में 10 रोजे रखेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा उज़्र शरई है कि जो चीज उसके पास से जा नहीं सकती, जैसे बीमार है, बीमारी जा सकती है, सेहतमंद होगा तो रोजा रखेगा, गर्मी की वजह से नहीं रख पा रहा है तो गर्मी में नहीं रखेगा, सर्दी में रख लेगा, लेकिन जैसे बुढ़ापा है, अब बुढ़ापे में लागर हो गया, कमजोर हो गया, अब उसको यकीन है कि भाई अब जवानी तो आएगी नहीं, बुढ़ापा तो जा नहीं सकता, अब वो बुढ़ापे में रोजा रख नहीं पा रहा है, फिर वो क्या करेगा? तो फिर वो जो है रोजे का जो वो नहीं रख सकता, तो जो रोजा छूटेगा वो उस रोजे का सदका, जो उस रोजे का कफारा होता है वो देगा, अदा करेगा मिस्कीन को, जो खाना खिलाने के बराबर है कि किसी एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाएगा। और अगर आप कुछ लोग जो है ऐसा करते हैं कि वो बिना उज़्र शरई के छोड़ छोड़ के रोजा रखते हैं तो वो गलत है। अगर उज़्र शरई है कि आप 3 रोजा लगातार रख सकते हैं, उसके बाद आप लगातार रोजा नहीं रख सकते, तो जितना लगातार रख सकते हैं उतना रखें और जितना नहीं रख सकते उनकी कजा लाजिम है, आप उनकी कजा करेंगे, उसका जो है फिदिया नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।